अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जीशान अल्ताफ फूड। इस टाइम आप देख रहे हैं जीशान अल्ताफ ट्रिक्स। तो जाने लोग, आज की इस वीडियो में आपको बताने लगूँगा आप लोगों ने फेसबुक मैसेंजर चैटबॉट कैसे बनाना है। इसका कंप्लीट ए बी सी डी सब कोर्स आपको मैं बताने लगा हूँ। कोर्स से मुराद ये है कि आपको जो उनसे ना API मेथड किससे निकालते हैं, गूगल से डिमेंटल्स SLQ, उसके अलावा जो है हमारे पास बोर्ड की कोडिंग होगी, बोर्ड के रिपीट पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करने हैं, कमांड हम लोगों ने कैसे इंस्टॉल करने हैं, और जो इसकी न्यू फाइल्स आती हैं लोगों कैसे बनाने हैं, इसमें जो APIs चेंज करनी होती हैं कैसे करनी है चेंज, इसमें इंक्रिप्शन कैसे लगानी है, डिक्रिप्शन कैसे लगानी है, इसी कंप्लीट जितनी भी कोर्सेज होंगे वो सब मैं अपलोड करने लगूँ। तो जल्दी से अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। रात के 4 बजे जो उनसे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो यार सपोर्ट तो लाजमी बनता है आप लोगों का। तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल पे बने रहे, क्योंकि जो उनसे ना आज से जो उनसे हम लोगों ने न्यू कोर्स स्टार्ट किया जिसका नाम है लर्न फॉर बिगनर्स का हम लोगों ने बोर्ड बनाया है। मैंने आज कोर्स कंप्लीट आपको जो उनसे बताने लगूँ, इसके जो उनसे क्लासेस होंगे डेली बेसिस पे, एक जो उनसे ना एक वीडियोज में अपलोड करूँगा, इसमें डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जो आप लोग यूज़ करके आप लोग जो उनसे ना बेसिक टू एडवांस लेवल की बोर्ड बना सकते हो और अच्छी कोडिंग भी सीख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपने आ जाने प्ले स्टोर में। ठीक है, प्ले स्टोर में आने के बाद, क्योंकि ये चीज़ें मैं सबको आती हैं लेकिन ये चीज़ें मैं उनको सिखा रहा हूँ जिन्हें किसी जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जो बिल्कुल अभी न्यू लेवल पर आए हुए हैं, जो जिन्हें बोर्ड बनाने का भी नहीं पता उसमें क्या क्या होता है कुछ भी नहीं पता। तो ये वीडियो उनके लिए स्पेशल है जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, ज़ीरो से हीरो बनाने लगा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से यार एक लाइक कर दे वीडियो को और चलते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, प्ले स्टोर पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है कीवी ब्राउज़र। ठीक है, कीवी ब्राउज़र आप लोग लिखेंगे, ये आप लोगों के पास कीवी ब्राउज़र आ जाएगा, आप लोगों के प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल होगा, हर कंट्री में ये अवेलेबल है, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट है यार जीशान भाई कोई ऐसा बोर्ड बनाओ जिसमें हिंदी हो, हिंदी लैंग्वेज हो, तो जाने लोग कम्प्लीट कोर्स जो उनसे है हिंदी लैंग्वेज का है। ठीक है, इसमें बंगाली लैंग्वेज भी मैं ऐड करूँगा, बट कभी कभार आपको बता दिया करूँगा जो बंगाली मेरे सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं या जिन्होंने रिक्वेस्ट की, और अरेबिक का भी मुझे कहा हुआ है तो अरेबिक का भी इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा। तो आप लोगों से मैंने कहा था बोर्ड बनाना है, तो इंशाल्लाह बोर्ड के आज भी कंप्लीट कोर्स अपलोड करते लगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सपोर्ट भी करते रहिएगा। ठीक है, तो हमारा जो उनसे कीवी ब्राउज़र इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये हमारा कीवी ब्राउज़र है। कीवी ब्राउज़र इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कीवी ब्राउज़र में आ जाना है। कीवी ब्राउज़र में आएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने जो सा हमारे पास जो सर्च बार होता है जाने लोग, इस सर्च बार में आप लोगों ने सर्च करना है replit.com। ठीक है, replit.com आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने जो उनसे साइन अप होना है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, स्टार्ट क्रिएटिंग के ऊपर आप लोगों ने गाइज यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट क्रिएटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज आप लोगों ने क्या करना है, पहले जो उनसे रिप्लेट था उसकी अपडेट चल रही थी, बहुत ज़्यादा अपडेट आई है जिसमें FCA FB चैट API की अभी भी अपडेट चल रही थी, अभी जो उनसे न्यू आई है FCA की अपडेट थी, अभी रिसेंटली PM2 की अपडेट हुई है। तो अभी जो उनसे हमारे पास रिप्लेट की जितनी भी अपडेट्स आई हैं इसमें से आप लोग देख सकते थे, हमारे पास जो उनसे जब हम लोग अकाउंट क्रिएट करते थे हमारे पास 4 ऑप्शन होते थे, आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा लें हमारे पास अभी 3 ऑप्शन हैं, इसमें कंटिन्यू विद फेसबुक और कंटिन्यू विद एप्पल जो उनसे वो रिमूव हो गए। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कंटिन्यू विद गिटअप, लेकिन आप लोगों ने गिटअप का मैं आप लोगों को तब बताऊंगा कोई ऐसी क्लास में बताऊंगा जहां पे आप लोगों ने क्या करना है, रिप्लेट के पैकेजेस इंस्टॉल करते वक्त आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने कंटिन्यू विद गिटअप क्यों करना है, वहाँ से आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अगर यहाँ से आप लोग करेंगे आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, जो न्यू यूज़र्स हैं जो बिल्कुल जिन्हें कुछ भी नहीं पता उनके लिए ये बहुत आसान काम है। आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू विद ईमेल कर लेना, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू विद ईमेल का ऑप्शन है, कंटिन्यू विद ईमेल आप लोगों ने गाइज करना है। और यहाँ पे गाइज आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कोई न्यू मेल लगा देनी है। तो एक मिनट गाइज, जल्दी से मैं अपनी एक न्यू मेल बना लूँ क्योंकि मेरे पास मेल में अभी मुझे सही से याद भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मेल जो थी मैंने बना ली हुई है। ठीक है, जस्ट वेट। तो जाने लोग मेल जो उनसे अपनी मैंने बना ली है, निकाल के ले आया हूँ।
तो ये वो मैंने न्यू मेल इसमें ऐड की है। न्यू मेल ऐड करने के बाद आप उन्हें एक पासवर्ड दे देना, जैसे भी मैं इसमें पासवर्ड लगा रहा हूँ सेम आप लोग इसमें कोई भी एक पासवर्ड लगा देना जो आपको याद रहे। पासवर्ड लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करने का, इस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। देखिए ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको स्टार्ट करा रहा हूँ। आप लोगों ने सेम यही स्टेप अपने टू टैब्स ओपन कर लें या किसी दूसरे फ़ोन पर देख लें या पीसी के ऊपर देख लें, आप लोगों ने कुछ भी करना है, लेकिन आप लोगों ने जो है ना ये जो है ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं और जानी लोग यार इमरान खान को जो है ना गिरफ्तार करने के बाद से नेट अभी तक बहाल नहीं हुआ यार, तो हम लोगों ने क्या करना है, मैं जल्दी से वीपीएन लगा लेता हूँ क्योंकि नेट मेरा चल नहीं रहा। ये देखिए मेरा वाईफाई भी आने में कब से वेट करूँ, नेट चल जाए और चार्जिंग भी नहीं है। तो जल्दी से यार आप लोगों के सामने ये वीपीएन ऑन करता हूँ ताकि मेरा जिनसे नेट सही हो जाए तभी जाके अकाउंट बनेगा, क्योंकि नेट चल नहीं रहा तो इसलिए मेरा अकाउंट नहीं बन रहा। बैक हम लोगों ने आ जाने, वीपीएन तो मेरा कनेक्ट हो गया बट इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं, आप लोगों ने वीपीएन नहीं कनेक्ट करना। तो जब तक आप लोगों को मेरी वीडियो मिलेगी तब तक जो उनसे है इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। क्रिएट अकाउंट पे गाइज अभी हम लोग क्लिक करेंगे, सेव पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये भी जो है हमारा अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है नेट का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था तो यार ये जो है नहीं बन रहा। तो मैं अपना कोई मतलब कि आप लोगों ने जो है अकाउंट इस तरह से बना लेना है, ठीक है, कि नेट का यार इशू है तो आप लोगों ने अकाउंट अपने इस तरह से बना लेना है। मैं कोई भी इसमें से एक अकाउंट लॉग इन कर लेते हूँ अपने पास, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है अकाउंट है बना के रखे हुए हैं। एक मिनट अभी वो देख लूँ। तो जाने लो इसमें जैसे जो है ना मैंने एक ये वाला अकाउंट मैंने चूज़ किया, इसको मैं लॉगिन करता हूँ। थोड़ा सा गाइज हम लोग इधर वेट करेंगे। तो गाइज ये जो है हमारे पास लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, या सिंपल से बात है यार आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करूँगा जो मेरे अभी न्यू लेटेस्ट वर्जन का रिपल है, ठीक है। रिपल में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोगों को ये लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा। आप लोगों ने सिंपल से इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा या कॉपी करना होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप लोगों ने चूज़ कर लेना है, लिंक या कॉपी, ठीक है। लिंक या कॉपी करने होता आप लोगों ने गेंद से आकर इसको इधर पेस्ट करना है, या अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से अगर डायरेक्ट होंगे तो आप पास वो क्रोम पे ओपन होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग जो है ना अपने कीवी ब्राउजर के ऊपर इसको ओपन करो, क्योंकि इसमें कुछ एक न्यू मेथड है वो भी आपको बताना है। तो आप लोग इसको जो है ना अपने कीवी ब्राउजर में इसको ओपन करने के बाद सर्च बार में जो लिंक होगा वो आप लोगों ने पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद आप लोग इसको एंटर करना है, ठीक है। एंटर जैसे हम लोग करेंगे आप लोगों के सामने जो है इधर जो है मेरा जो है ना ये बोर्ड आ जाएगा। ये देखिए लर्न फॉर बिगनर्स आप लोगों के लिए स्पेशल वर्जन बना रहा हूँ, ठीक है, स्पेशल वर्जन जिसे कह रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। इसको आप लोगों ने क्या करना है गाइस, फोर करना है, जल्दी से वीडियो को यार लाइक करें, ठीक है। फोर के ऊपर आप लोगों ने गाइस क्लिक करेंगे जैसे ही, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गाइस, आप लोगों ने सिंपल से फोर कर देना। यहाँ पे अगर आप लोग नेम चेंज करना चाहिए नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक जो है स्काउट हो लर्न फॉर बिजनेस का, जितने भी लोग हैं जितने भी फोर को उनके पास एक ही लर्न फॉर बिजनेस हो ताकि एक ही इसमें हम लोग कोर्स में चलें। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर डिस्क्रिप्शन चेंज करनी या नेम चेंज करने एज यू विश आप लोग चेंज कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है फोर क्रिपल, ये देखें यहाँ पे फोर क्रिपल लिखा हुआ है, आप लोगों ने क्या करना है फोर क्रिपल पे क्लिक करना है। सिंपल से फोर क्रिपल पे जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस थोड़ा सा ये वेट लेगा और यहाँ पे आपकी फोर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और गाइस यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है थोड़ी देर और वेट करना है, ये देखिए नीचे जो है वर्किंग स्टार्ट हो गई है, जस्ट वेट करना है। हम लोगों ने रिपल के कुछ अपडेट्स की वजह से थोड़ा सा ये तंग भी करते हैं इंसान को। अगर आपके पास अभी तक आप लोगों ने अपना कीवी ब्राउजर अपडेट नहीं किया तो उसको भी जल्दी से अपडेट कर लें। यहाँ पे जो है इतना कुछ होने के बाद आप लोगों के पास ये जो है इसकी वाइट स्क्रीन आ रही होगी, कि मेरा जो है इसमें डार्क मोड आने से जो है मेरा ये ब्लैक डेस्कटॉप शो आपको हो रहा है। तो यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं रन का ऑप्शन आप लोगों के पास शो हो गया होगा। रन का ऑप्शन शो होने से पहले आप लोगों का इस मेन स्टेप क्या करने है, मेन स्टेप आप लोगों में कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जिसमें मैंने जो न्यू अपडेट्स लगाई हैं। आप लोगों ने काफ़ी यूट्यूबर्स का देखा होगा, उनके पास जब वो आपको बोर्ड के बारे में बताते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मॉड्यूल्स में जब जाते हैं अपने कमांड्स में, यहाँ पे उनके पास गाइस कैशे भी होते हैं और मेरे उनके पास कमांड्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
तो कोर्स की बुनियाद मैंने यहाँ से रखी, आप लोगों ने क्या करना है बेस, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल आज समझा लूँ क्लास कैसे स्टार्ट करनी है हमने, ताकि आप लोगों को दोबारा समझाना ना पड़े, आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाए। देखें कोर्स की बुनियाद यहाँ पर जिनसे मॉड्यूल्स कमांड्स की बुनियाद जिनसे है ना, वो मैंने यहाँ से रखी है। जस्ट 5 to 6 कमांड्स मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, और अगर हम लोग इवेंट्स में जाते तो इवेंट्स में भी हम लोगों ने जस्ट बेसिक कमांड ही ऐड किए हैं, ताकि आप लोगों को जो भी न्यू फाइल होगी, जो भी न्यू कुछ होगा, आप लोगों को सब कुछ इसमें ऐड करके दिखाऊँ कैसे आप लोगों ने ऐड करना होगा और कैसे आप लोगों ने खुद का बोर्ड क्रिएट करना होगा। तो इसलिए जो है ना, इसमें जस्ट बेसिक कमांड से रखे हैं, ठीक है, जस्ट बेसिक कमांड से डाले हैं, क्योंकि इसमें ना मैंने कोई कैसे डाले, लेकिन डाटा में जाएंगे आप लोगों को बिल्कुल सिंपल मिलेगा। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको जल्द से जल्द विद इन 15 to 16 डेज़ में आपको ये कोर्स कंप्लीट करवा दूँ। और नीचे जो अब इवेंट्स में जाते हैं, इवेंट्स में भी मेरा जिनसे बिल्कुल कैसे कोई भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आप लोग कैसे, आप लोगों ने कैसे फाइल ऐड करनी है कैसे, मैं वो भी आपको कंप्लीट बताऊँगा। लैंग्वेजेस में जाते हैं, जस्ट एक ही लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश की, ठीक है, मॉड्यूल्स में भी आप लोगों ने देख लिया, इसके बाद आप लोगों को मैं दिखा लेता हूँ नोड मॉड्यूल्स और यूटिलिटीज। ये देखिए सिंपल है, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्फिग, ऑटोग्रेड, ये आपको मैं बाद में बता दूँगा क्या चीज़ें, सारी टाइम टू टाइम बताऊँगा, ठीक है, टाइम डेली। और उसके बाद आप लोगों ने गाइस और क्या चीज़, अब इसमें और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, जस्ट अभी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों ने जस्ट ये बोर्ड एक्टिव करना और मेरे साथ चलना है, जहाँ तक जैसे जैसे मैं चलूँगा जो कोर्स मैं डेली अपलोड करूँगा, आप लोगों ने अगर वो देखना होगा तो आप लोगों का ये जो है ना कम्प्लीट आपको समझ आ जाए, किसी की इधर उधर मिनतें नहीं करनी पड़ेंगी, यार बोर्ड बना दो, ये कर दो, वो कर दो, जस्ट आप लोगों के लिए लर्न फॉर बिगिनर्स, ठीक है, ये देखिए लर्न फॉर बिगिनर्स, जस्ट आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है आप लोगों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कुकीज़ निकालनी है, कुकीज़ कैसे निकालनी है गाइस, की वी ब्राउज़र में आप लोग को जो है ना आप लोगों ने 3 lines के ऊपर जो है टैप करना है, ठीक है, 3 lines के ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को शो होगा एक्सटेंशन का ऑप्शन, ठीक है, एक्सटेंशन के ऊपर गाइस आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, मेरी ऑलरेडी कुकीज़ ऐड है, बट जो न्यू मेथड आया कुकीज़ को आप लोगों ने कैसे निकालना है, न्यू मेथड भी आपको मैं बताता हूँ साथ साथ। फार्म स्टोर में चले जाना गाइस आप लोगों ने, और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कुकीज़ लिख देंगे, या आपको देखूँगा मैं, क्योंकि अभी मुझे सही याद नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसमें से गेट की थी और मैंने चेक की थी, वो कुकीज़ भी अच्छी हैं। इससे इसके बाद आप लोगों को एक और चीज़ भी बतानी है गाइस, तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना जो मैंने किया कर लिया, यहाँ पर सर्च स्टोर लिखा हुआ है, सर्च स्टोर के ऊपर आप लोगों ने लिखना कुकीज़ एडिटर हम लोग लिख के इसको एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इसको मैं जो है थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, एक मिनट, और यहाँ पर जो है हमारे पास ये आगे कुकी एडिटर, ठीक है, ये जो है फर्स्ट वाली है, ये वाली, इसके ऊपर गाइस आप लोगों ने करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जो है इसको कर लेना है ऐड टू क्रोम करना है। आपको मैं सिंपल मेथड भी बताऊंगा, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे कहते हैं ईशान भैया आपकी फ़ाइल डाउनलोड नहीं हो रही, बहुत थक जाता हूँ, फ़ाइल नहीं डाउनलोड होती, व्हाट्सएप भी आता हूँ, गिटहब भी पता नहीं किधर किधर जाता हूँ, लेकिन फ़ाइल नहीं डाउनलोड हो रही। तो इधर से आप लोग फाइल डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, कुकीज़ आप लोग निकाल सकते हैं, सेम वही कुकीज़ है, ओके पे गाइस आप लोगों ने क्लिक करना है, या इसमें सेम वही मेथड होगा, आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। ये देखें यहाँ पे जो से हमारे ना कुकीज़ ऐड हो चुकी हैं, ये देखें कुकीज़ हमारी ऐड होकर ये नीचे आ गई हमारे पास, ये ठीक है कुकीज़ एडिटर। लेकिन हम लोगों ने यहाँ से भी अगर आप चाहें ना, यहाँ से आप लोगों ने कैसे इम्पोर्ट करनी कुकीज़, इसके ऊपर आप लोग गाइस क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक्सपोर्ट ये लिखा हुआ, इसके ऊपर गाइस आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग एक्सपोर्ट है जैसन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके एक्सपोर्ट है जैसन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी कुकीज़ जो है कॉपी हो जाएंगी। लेकिन हम लोग ये कुकीज़ नहीं यूज़ करने लगे, आपको मैं जस्ट बताने के लिए, अगर आप लोगों के पास फाइल नहीं शो हो रही, मेरी फ़ाइल आप लोगों को नहीं मिल रही C3 अभी स्टेट वाली, तो आप लोग यहाँ से भी कुकीज़ निकाल सकते हैं। और सेकेंड नंबर पर आप लोगों ने कहाँ से कुकीज़ निकालनी है, आप लोगों को फ़ाइल कहाँ से मिलेगी, आप लोगों के लिए मैंने और आसानी कर दी है, सिंपल आप लोगों को मैं अपने गिटहब का अकाउंट दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, सॉरी अकाउंट नहीं देता, लिंक दूंगा। आप लोग जैसे ही मेरे गिटहब के लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग जाओगे तो इधर जो है आपको C3 अपस्टेट की एक फ़ाइल शो हो जाएगी, वो फाइल ये रही, आप लोग इस फाइल को डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, ये देखें यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। और दूसरे नंबर पर एक बात और बता दूँ, ये देखें यहाँ पर जो है मैंने सारी फाइल्स अपनी अपलोड की हुई हैं, ठीक है, जो भी न्यू फाइल रहेगी और जो भी ओल्ड फाइल होगी वो मैं सब इधर अपलोड करूँगा,
आप लोगों ने कहाँ से वो फ़ाइल लेनी होगी। अगर आपके पास कोई मिस हो गई फाइल या कोई सेशन मिस हो गया, आप लोग आएंगे गिटहब पे, यहाँ पे आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मेरी फर्स्ट फाइल है ज़ीशान डॉट जी एस की, ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि आपको बाद में समझनी ना पड़े, कहीं इधर उधर ढूंढना ना पड़े। आप लोगों ने ज़ीशान डॉट जी एस की फाइल पे क्लिक करना होगा, सिंपल से आप लोगों ने इसको कापी कर लेना होगा, ठीक है। ये सिंपल कापी हो जाएगी और ये डाउनलोड भी ईजिली हो जाती है गाइस। देखें ये नीचे डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड हो जाएगी, इतना काम ये। आप और चीज़ें इसमें जो उनसे बेसिक आपको कुछ बाद में बताऊँगा। गए ना हम लोग अपने कीवी ब्राउज़र पे आ गए, मेरे पास चार्जिंग इतनी नहीं है तो हम लोग चार में चार आपको बेसिक कुछ समझा दूँ। तो हम लोगों ने वापस से गए ना आ गए अपने कीवी ब्राउज़र पे। कीवी ब्राउज़र पे अगेन आने के बाद गाइस आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने अगेन से कुकीज़ जो उनसे ना गेट करने के लिए आप लोगों ने थ्री लाइन्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर लिखा होगा एक्सटेंशन, ठीक है। अगेन से एक्सटेंशन पर जाएंगे, आपके पास वो C3C या बी स्टेट फाइल होगी, आप लोगों ने फ्राम जिप पर क्लिक करना होगा। जस्ट फॉर्म जिप पे आप लोगों ने गाइस क्लिक करना है और फाइल्स में आप लोग अगेन से ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपनी इंटरनल स्टोरेज में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने आके सर्च कर देना है C3C, ठीक है। जैसे मैंने सर्च किया हुआ है यहाँ पे आप लोगों को ये फाइल आपकी मिल जाएगी। इस फाइल के ऊपर आप लोग जस्ट वन टैप करेंगे तो आपको ये देखें वन टैप मैंने क्या एडिट ऐड हो जाएगी आपको एक्सटेंशन में, लेकिन मीडिया भी ऐड नहीं होने लगे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये ऐड है, ठीक है। अब इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों ने अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है, फेसबुक का आप लोग अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे ना, फेसबुक का अपना आप लोगों ने अकाउंट लॉगिन किया, फिर आप लोगों ने जाना है थ्री लाइंस पे जाना है और ये जो लिखा हुआ है C3C एबी स्टेट यूटिलिटी, ठीक है, इसके ऊपर गाइस आप लोगों ने कर देना है क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने कहाँ पे पेस्ट करने, जो लोग बिल्कुल नहीं हो उनको बता दूँ, आप लोगों ने करना है एक्सपोर्ट एबी स्टेट के ऊपर क्लिक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा एक्सपोर्ट एबी स्टेट, एक्सपोर्ट एबी स्टेट के ऊपर गाइस आप लोगों ने क्लिक करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने कहाँ पे क्लिक करना है, क्लिप टू कापी टू क्लिप बोर्ड, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, सॉरी ओके कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, बैक से आप लोगों ने आ जाना है उसी रिपल में जहाँ पे आप लोग अपना जो उनसे है फोर्क किया था, जो आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने आके वेट करना है जस्ट थोड़ी सी देर गाइस, इधर हम लोग करते हैं वेट क्योंकि यहाँ से नीचे आप लोग देख लोगे ये वर्किंग हो रहा है, तो थोड़ी सा इधर गाइज हम लोग करते हैं वेट। तो गाइज ये हो गए सेट हो गए, तो आप लोगों ने क्या करना है अगेन यहाँ पे आ जाना है, आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ये थ्री लाइंस का, इन थ्री लाइंस के ऊपर आप लोगों ने गाइज क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा appstate.json का, ठीक है। ये वो ऑप्शन आप लोगों ने इसके ऊपर सिंपल से क्लिक करना है, जो न्यू यूज़र से उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे ना, इधर से आप लोगों ने इसको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करना होगा आप लोगों ने और इसको कैंसिल कर देना, कट कर देना, ठीक है। सिंपल से कट करने के बाद क्लियर कट करना है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास अभी ये उनसे ना सारा ब्लैंक रहे, ठीक है ना, ये देखिए ब्लैंक रहे मेरे पास, आप लोगों के पास सेम ऐसे ही ब्लैंक होना चाहिए। और यहाँ पे जो आप लोगों ने वो कॉपी की होगी उसको आप लोगों ने आके पेस्ट कर देना है, सिंपल पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल से आप लोगों ने गाइस यहाँ पर जाना है और डन पे क्लिक कर देना है, रन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए कौंसिल में आप लोगों ने आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने कौंसिल में आ जाएंगे, बैक हम लोग ये देखिए कौंसिल में जाते हैं, कौंसिल है ये हमारा जिनसे बोट है ये रन हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा गाइस इधर आप लोग वेट करेंगे और ये देखिए आप लोगों में चीज़ बता रहा हूँ, जो जहाँ पर इतने दिन मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, ये देखें एपी चैट API जो थी फेल्ड आ रही थी क्योंकि इसकी अपडेट चल रही थी, और ये हमारा जिनसे बोर्ड है कंप्लीट रन हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। जब यहाँ पे जो आप लोगों के सामने ऑनलाइन लिखा हुआ आ जाए ये देखिए यहाँ पे, तो समझ जाए आपका बोर्ड एक्टिव हो गया, ठीक है। आप लोगों ने अब गाइस क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आप लोगों का बोर्ड एक्टिव है, आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से आप लोगों ने आ जाना है हमारे पास फाइल्स में और यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है अगेन से config.json में। config.json में आने के बाद गाइस आप लोगों ने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। config.json में आने के बाद गाइस आप लोगों ने सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर जो होगा आप लोगों ने अपनी एक मेल ऐड कर देनी है, यहाँ पे लिखा होगा ईमेल, यहाँ इधर आप लोगों ने गाइस अपनी एक मेल ऐड करनी है। और मैं बहुत जल्द जो उनसे अपना YouTube का स्टूडियो ओपन करने लगा हूँ और आप लोगों को लाइव बताऊँगा सब कुछ, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। और नीचे जहाँ पर आप लोग सर्च आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा बोट नेम, बोट नेम के ऊपर गाइस आप लोगों ने करना है क्लिक, ठीक है। बोट नेम पर यहाँ पे मैंने लिखो लर्न फॉर बिजनेस स्पेशल आप लोगों के लिए,
तो इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना। अगर आप लोगों ने चेंज करना है तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। और हाँ, एक बात बता दूँ, किसी भी कोडिंग, कोई भी कोडिंग जोन सी है या कोई भी कमांड जोन सी, आप लोगों ने इसको नहीं छेड़ना। अगर आप लोग छेड़ोगे तो यार काफ़ी ज़्यादा इशूज़ बन जाएंगे आप लोगों के लिए। फिर मुझे नहीं कहना यार ज़िशान भाई आप लोगों ने कहा आपने कुछ और बताया था, हमने कुछ और कर दिया तो फिर ये काम ख़राब हो गया। तो गाइस आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना यार, प्लीज़ ये देख लो, टाइम देख लो, रिक्वेस्ट आप लोगों से, 4:44 हो गए रात के, कुछ भी नहीं करना यार प्लीज़, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल से करना है, अगर नेम चेंज भी करना है तो कुछ भी रख लें, ठीक है, और सिंपल। और इसके बाद आप लोगों ने गाइस आ जाना है, नेम भी चेंज कर लिया आप लोगों ने, सब कुछ चेंज कर लिया। अब आप लोगों ने एडमिन बोर्ड चेंज करना होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आप लोगों ने गाइस, आपका बोर्ड जो है ना, आपका जो बोर्ड है वो रन हुआ हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल से जो से मैं एक मिनट VPN लगा लूँ, क्योंकि नेट मुझे पता नहीं चलने लगा ऐसे, ये देख सकते हैं आप लोग, आपको मैं दिखा भी देता हूँ शायद आप लोगों को यकीन ना आए। तो यहाँ पे ये देखें, डॉट हेल्प मेरी प्रीफिक्स थी, इसको मैंने एंटर किया, ये देखें मैसेज मेरे डिलीवर नहीं हो रहे, वो नेट की वजह से, जस्ट एक मिनट। तो जानी लोग यहाँ पर जो है ना, मैंने VPN अपना कनेक्ट कर ली, ये देखें, और यहाँ पर जो उनसे मुझे मैसेजेस आना भी स्टार्ट हो चुके हैं बोर्ड के। और यहाँ पर जो उनसे मेरा फर्स्ट उनसे, ये देखें यहाँ पर जो उनसे ना, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आप लोगों ने प्रीफिक्स आप लोगों ने जो सेट की होगी, मेरी प्रीफिक्स जो उनसे सेट है ऑलरेडी लर्न फॉर बिगनर्स बोर्ड में, और डॉट है, ठीक है। ये देखिए सिंपल प्रीफिक्स है, जस्ट एक मिनट जानी लोग, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों जो डॉट है मेरा प्रीफिक्स, ये आप लोग देख सकते हैं डॉट। तो मैं इसमें सिर्फ डॉट यूज़ करूँगा। आप लोगों ने बैक आना, जो भी आप लोग इधर प्रीफिक्स सेट करोगे आप लोगों ने वही प्रीफिक्स आके न्यू यूज़र्स को स्पेशल क्या वही प्रीफिक्स आप लोगों ने आके इधर टाइप करनी है, जो भी प्रीफिक्स होगी आपकी प्रीफिक्स, इसमें से आप लोग ये चूज़ कर सकते हैं, देखें @#$/ एंड हो गया, और प्लस जो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये प्रीफिक्स होते हैं, डिजिट से ऊपर होते हैं न्यूमेरिक डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, डार्ट प्रीफिक्स मैंने यूज़ की, और UID आप लोगों ने टाइप करना है, और इसको जो कर देना गाइस, एक मिनट इसको अगेन से मैं ओपन कर लूँ, और एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे ये देखें आप लोगों को, ये देखें कंप्लीट हिंदी है, ठीक है। ये देखें ये लो ब्रो, ये है आपका आपकी यूज़र ID ब्रो, ये आपका मैसेंजर चैट लिंक ब्रो, ये आपकी फेसबुक प्रोफाइल लिंक, टोटली हिंदी है, ठीक है, हिंदी लिखी हुई है टोटली। सिंपल सा आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वाले के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ से जो आपको ये होगा ना फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट मैसेज होगा, इसको गाइस आप लोगों ने कॉपी करना होगा, ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिक डिजिट्स को, और सारा गाइस आप लोगों ने इसको सेलेक्ट ऑल करके कट कर दें, बेशक फर्स्ट आप लोगों ने गाइस कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है अपने अपने कीवी ब्राउज़र में, और यहाँ पर आप लोगों ने गाइस थोड़ा सा वेट करना है रिप्लेट का ओपन होने का, और इसमें जो है ना मेरे बोर्ड में कोई भी बैन सिस्टम, भी अप्रूवल सिस्टम, कोई भी कुछ भी मैं नहीं लगाने लगा, ना ही लगा हुआ। हाँ आप लोगों को बताऊंगा, कोर्स में लाजमी बताऊंगा। और यहाँ पे तो आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ एडमिन बोर्ड, यहाँ पे जो एडमिन बोर्ड है ना गाइज, एडमिन बोर्ड के ऊपर गाइज इसको आप लोगों ने क्लिक करना है, और जो आप लोगों ने काफ़ी किया हुआ आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सिंपल से पेस्ट करने के बाद गाइस आप लोगों ने अगेन से इसको स्टॉप करना है, और इसको अगेन से गाइस रन कर देना है। रन करेंगे ना जैसे ही ये अगेन से हमारे पास रन हो जाएगा सेम उसी तरह, ठीक है। वेब पेज का आप लोगों ने कैसे इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई है। तो ये जो है ना, ये देखिए हमारा जो है ये रन होना स्टार्ट हो गया अगेन से, ये देखें सारे कमांड्स हमारे रन हो गए हैं। बैक हम लोगों ने आ जाना है जानी लोग, यहाँ पर आप लोगों ने देखना ऑनलाइन शो हो गया आप लोगों को, ये देखिए ऑनलाइन शो हो गया मुझे, ये देखें। और बैक हम लोगों ने आज ने अपने मैसेंजर में, और यहाँ पे अभी इतने ज़्यादा कमांड्स ऐड नहीं है, तो इसलिए जो है ना ये आप लोगों के पास ज़्यादा कमांड्स नहीं शो होंगे, जस्ट आप लोगों के पास इधर बोर्ड के कमांड शो होंगे, कुछ मैंने बोर्ड के इसमें ऐड किए हुए हैं, बोर्ड इसमें जैसे मैं लिखता हूँ इसमें बोर्ड लिखता हूँ, ठीक है, बोर्ड पर ये मुझे रिप्लाई देगा, ये देखें। और इसमें मैं लिखता हूँ जस्ट एक सिम लिखता हूँ, एक कमांड डॉट सिम हेलो, तो ये देखिए गाइज आप जो उनसे ना हमें रिप्लाई देगा सिम पे भी, ठीक है।
ये इतनी कोडिंग होगी। अब लोगों ने नेक्स्ट जो कोडिंग होगी, जो नेक्स्ट कमांड होंगे, वो इंशाल्लाह कल की जो वीडियो होगी उसमें आप लोगों ने लाजमी आना है। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट कोर्स कल की वीडियो में बताऊंगा। और मैं आजकल जॉब भी कर रहा हूँ, तो शायद इसलिए जो उनसे ना मैं ऑडिट पर कहीं चला जाऊँ या आउट स्टेशन चला जाऊँ जॉब के लिए, तो कुछ नहीं क्या, अगर वीडियो ना भी बने तो हम लोगों ने अपना कोर्स कम्प्लीट करना है। ठीक है, आपको मैं सारा मैथड समझा दूँगा, या 15 to 16 days में हम लोग हमारा कोर्स जो सब वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग कमांड यूज़ करेंगे हेल्प का, तो ये देखें, और यहाँ पे एक कमांड और ऐड एडमिन, ठीक है, ये देखिए हमारे पास जस्ट अभी इतनी कमांड एड्स हैं। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई की चैनल था, एक को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और बेल वाले आइकन पर क्लिक करना ताकि मेरे आने वाली मेरी वीडियो आप तक बासानी पहुँच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।